ये है लोहार मार्केट, इस साइड है। ओ फट्टा भी अलग हो चुका है, पूरी ऐसी तैसी हो चुकी है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू ब्लॉग। सो गाइस, कमेंट्स बहुत सारी आ रही थी कि भाई गंधक पटास की मार्केट किधर है, और कल तो एक कमेंट आई कि भाई एक और ब्लॉग बनाओ जिसमें अच्छे से मार्केट दिखाओगे आप। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको गंधक पटास की मार्केट दिखाऊंगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि जाना कहाँ है गंधक पटास लेने। गंधक पटास का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फोड़ेंगे, मसाला चेक करेंगे हमारे पास बचा है या नहीं बचा, अगर खत्म हो गया तो हम चाचा से लेके आएंगे। सो गाइस अभी 10 बजे हुए हैं और सबसे पहले हम जाएंगे पापा के पास, क्योंकि आज हम राशन बांट रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, रिया भी जा चुकी, अभी मैं जाऊंगा, थोड़ा राशन बंटवाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे गंधक पटास की मार्केट देखने। तो गाइस चलो चलते हैं। I wanna drown inside this. I. भाई भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है यहाँ पे। नींद आ रही है रिया, सुबह से बैठी है। सो गाइस तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा मार्केट का एड्रेस प्रॉपर। अब ये देखो गाइस, सामने है भादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन, ये है रोहतक रोड, जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही है ना, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली से आ रहा है रास्ता और सीधा रोहतक की साइड। अब भादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे से तुम्हें सीधा सीधा जाना है झज्जर रोड के मोड़ तक। गाइज ऐसे रोड आएगा मुड़ने के लिए, झज्जर मोड़ बोलते हैं इसको, और झज्जर मोड़ से मुड़ोगे तो झज्जर रोड आ जाएगा। तो यहीं से आपको मुड़ना है और लेफ्ट साइड में पोस्ट ऑफिस तक चलना है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे जाना है, वीडियो देखते रहो गाइज। यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है गाइज, ये आ गया झज्जर रोड। अब यहाँ से सीधा सीधा चलना है आपको। ये रोड वैसे काफी ज्यादा कंजेस्टेड है, जाम वगैरह रहता है, पर अगर गाड़ी वाड़ी में आ रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से निकल जाओगे। अभी देख लो गाइस एक ऐसा चौराया आएगा, उससे भी आगे जाना है आपको, और ये लोहार मार्केट आ गया राइट साइड में। लेफ्ट साइड में इसके सामने है पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है गाइस, इसी के सामने ये है लोहार मार्केट, इस साइड है। मतलब ज्यादा डेवलप मार्केट नहीं है, तो इनसे डिलीवरी वगैरह की उम्मीद मत रखना, कोरियर वगैरह नहीं कर पाएंगे ये, इनमें से कई सारे लोग तो पेटीएम भी नहीं करते। देखो ये सब है, बस यहीं तक थी लोहार मार्केट। वैसे एक आगे भी है लोहार मार्केट, वहाँ थोड़ा सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घर से हैं, दुकानें नहीं लगा रखी इनकी तरह उन्होंने। ये देखो सामने है ये लोहार मार्केट। तुम्हारे भाई ने तुमको प्रॉपर एड्रेस दिखा दिया है, अब भादुरगढ़ आके भादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे से मेरे वाले एड्रेस को जैसे जैसे मैंने बताया रोड वैसे वैसे आप फॉलो कर सकते हो, आसानी से इस मार्केट में पहुंच जाओगे। ये है भादुरगढ़ सिटी, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ती है। तो गाइज यहाँ पे ना एक भाई से बात करी है मैंने, जिससे मैंने परचेज किया था गंधक पटास। मैंने बोला था भाई वीडियो में आ जा और बातचीत कर ले, इनको भाई शर्म बहुत ज्यादा आती है, तो ये मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं आ सकता, आप किसी और से पूछ लो, और बाकियों से मैं पूछ नहीं सकता। एक चीज और, सिर्फ दिवाली के टाइम यहाँ पे आपको लगे दिखेंगे गंधक पटास वगैरह, या फिर कोई भी ओकेजन वगैरह होगा, नहीं तो ना भाई इनसे आपको वैसे लेना पड़ेगा बोल के। ये बना भी देंगे, और लोहा आप लाओगे तो उसको भी बना देंगे, लोहा नहीं है आपके पास तो ये उससे भी बना देंगे, सब कुछ बता देंगे आपको कैसे क्या होगा। एड्रेस दे दिया मैंने, आप यहाँ पे बेझिझक आ सकते हो। अभी वापस से ऑफिस में जा रहे हैं, आप वीडियो देखते रहो गाइस। सो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी चाचा के घर पे, और मसाला वगैरह पूछूंगा गंधक पोटास का बचा है या नहीं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी हो तो चाचा ने बोला था मैं सभी दोस्तों को बांट दूंगा, इतना सारा मसाला घर में नहीं रखूंगा, तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो भी ठीक है, मिल गया तो भी ठीक है। तो गाइज चलो चलते हैं। सिर्फ गंधक पोटास ही नहीं, एक से एक चीजें यूज की है मैंने, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता वीडियो में। लोहा ऐसा है, पहले बारूद भरना पड़ता है, फिर जमीन में मारना पड़ता है, वो धमाका होता है गंधक पोटास से भी काफी ज्यादा। वो वीडियो थोड़ी फिर वैसी हो जाएगी ना, यूट्यूब की गाइडलाइन के अगेंस्ट,
बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो कमेंट में बता देना, मैं ट्राई कर लूंगा। अभी गाइज रिजर्व में लग चुकी है गाड़ी, सुबह ही लग गई थी, डीजल खत्म है। और गाइज जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, गाइज कर लो, इंस्टाग्राम है DXNIKOO DXNIKOO, स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, रील्स डालता रहता हूँ। जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। जिन्होंने कमेंट की है ना अभी तक, मैंने हर एक आइडिया पे वीडियो बनाई है। चीनू चिक्की ठीक हूँ, ये काला टिक्का क्यों लगा रखा है? वो स्केच कलर से लगा, स्केच कलर से लगा लिया। किसको काटा था जी? वो पिटबुल को काटा था, हंटर ने। हाँ डॉगी देखा ना, वो साइड में रहता है जो, वो आपको बता रहे थे। मसाला खत्म हो गया आपका? पड़े आप तो कहते बांट दूंगा, बांट दिया था मैंने, फिर थोड़ा बहुत गाना भटका है ना। दिखाइयो, ये तो बहुत पुराने हो गए फिजेट स्पिनर, मेरी उंगली पे रख चला के घुमा दे, घुमा दे कर। ये किस पे चल रही है? हाँ बोले आइसक्रीम खाऊंगी, गिर गई आइसक्रीम, खाएगी तेरे ठंडी लग जाएगी तो अले टोपी ओढ़ के खा लूंगी ना। ओए इसके हाथ से खोस, इसके हाथ से छीन, अंदर जा, अंदर जा, चोट लग जाएगी, जा अंदर जा, ज्यादा भर के नहीं डालना। तूने वीडियो देखी थी वो वाली? खून आ गए थे ऊपर लग गई थी। सो गाइज अभी ना मैं भटकाऊंगा, और चीनू को नहीं दूंगा वैसे भटकाने के लिए क्योंकि ये बच्चा है। सबसे पहला चाचा फोड़ेंगे, और कई लोग कह रहे थे चाचा इज ओपी, चाचा का नाम ही ओपी है शॉर्ट फॉर्म में। अभी देखना फुल फॉर्म क्या है आपके नाम की? मेरा नाम ओम प्रकाश है। सब ओपी कहते हैं? सब ओपी कहते हैं। हाँ क्या करे, उनसे इतना बड़ा नाम लिया नहीं जाता ना। हाँ एनर्जी कम आजकल के बच्चों में। नहीं ओपी वैसे अच्छा नाम है, ये पीछे रखा है। अब इसमें बाहर भी भटकाऊंगा, रिक्वेस्ट है आप भी बच्चों से इन चीजों को दूर रखा करो। गोप्रो हाथ में ले रखा है इसने, गोप्रो मत चलाइयो। चला दिया है, चला दिया, इसकी ऊपर की नली फट गई थी। और दोस्तों ये है ना थोड़ी कम मात्रा में ये रखा करो, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। सबको पता है मैं फुल भर के भटकाता हूँ इसको, उसमें उसमें फिर नुकसान होने के, चोट लगने के ज्यादा चांस। उसके लग गई थी, अब देखो। 1 2 माय गॉड, मेरे कान में सनसनाहट हो गया, पूरी दूर तक आवाज गूंजी है इसकी तो। और अच्छा इसको फुल भर सकते हो आप? नहीं फुल भर के तो मैं बिल्कुल भी नहीं, इसमें हाथ लगाऊंगा। अच्छा उस पे मत मारो, फट जाता है ऐसे भी, मेरा नीचे मारते मारते ही फट चुका था ये। ये टूट गया, कहाँ से निकल गया? अब भैया निकला है, टूटा नहीं है, इससे जुड़ा हुआ था ये, यहाँ पे वेल्ड था ये, ये वेल्ड था। जितना खुल के होगा ना उतना तेज लगेगा ये। वो लड़का है, वो लड़का है, वो थोड़ा पीछे लेके भटकाओ इसको, वो छोड़ो पीछे बेटा। ओ कान में आई है तो। चीनू एक काम करेंगे, इसको फुल भर के और दूर रख के ईट मार देंगे उस पे। कान सुन कर दिए भाई, चैन की बैठी झटका मारे। अच्छा चैन है ना, बिल्कुल ही उतार दो। हाँ उतार दो, हाथ में लग जाएगी, उतार दो। कान सुन कर दिए, इसके ऊपर एक वो भी लगी हुई थी ऐसी, ये लगी हुई थी। हाँ ये इधर कैप लगा रखी, ये फट गई थी, ये पूरा ऊपर तक भर के भटकाया था हमने। इसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है इसमें। हाथ में तो भटकाऊंगा नहीं, और कैसे भटका गया है? खाना पाइप वाइप लग जा कदे। भाई रुक जाइयो, अभी बच्चा का लाग जाएगी। पाठ की देख। ओ भाई देख क्या होया, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। कितना गाल दिया था? पूरा भरा था, पूरी नली भर दी। अब ये देखो गाइस पूरी ऐसी तैसी हो चुकी है भाई, फट्टा भी अलग हो चुका है, यही था ना फट्टा। ये रहा इसका दूसरा टुकड़ा, ये रहा, बीच में छेद हो गया है, और ये हमारी गन, रिगन। इसको पूरा पाड़ने का ऑप्शन है कोई? बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तब इसमें पूरा बारूद भरो, तब ये नीचे से फट जाएगा। प्लान सक्सेसफुल रहा, मैंने पहले ही बोला था फाड़ेंगे इसको और एक ही बारी में फट जाएगा, इतना नहीं पता था मुझे। नली
देखा पूरी नली फट गई आगे से, ऊपर चढ़ गया मैं फटों के, उसके अंदर पूरा भर दिया और ऊपर से फेंक दी, और जिस फट्टे पे गिरी ना उसमें छेद भी हो गया और वो फट भी गया फट्टा। खुद भी चोट लग सकी थी, तो जब भी तुम ऊपर चढ़ा था हम जा रहे हैं घर चाचा की कार चेक करने। फिर यार नहीं नहीं इसको बाहर बाहर भेज दे, ये ना शोर मचाएगी गाड़ी में। अरे नहीं मैं ठीक हो जाएगा, इसे घर पे छोड़ दिया। नहीं मैं रुक जा, मैं अभी आया, मैं अभी आ रही हूं। इसको छोड़ दिया घर पे, छोड़ दिया यार। नहीं नहीं तू वीडियो में बोलने नहीं देगी मुझे, फिर बोलने नहीं देगी तू मुझे, बोलने नहीं देगी ना, नहीं बोलने देगी। हाँ फिर चल, बोल नहीं बोलने देगी, ठीक है जा। नहीं नहीं बोलने देगी, नहीं बोलने देगी, नहीं ठीक है फिर जा। नहीं बोलूं चिक्की जा ना। मैं क्यों नहीं जाऊं चिक्की, फिर आराम से बैठियो, बोलियो मत, ठीक है वीडियो में। ठीक है आराम से बैठ जाओ अपना पर्स लेके, ठीक है। अच्छा एक पोएम सुनाओ मुझे। हाँ पोएम कौन सा? नहीं तू पीछे बैठ जा, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ। चिनू दरवाजा बंद कर दे, इसका जो हैंडल है ना काफी ज्यादा हल्का है। अब सिटी मोड पे करने के बाद ना इस हैंडल को आप कितनी भी आराम से घुमा सकते हो भाई। शैडो, हाँ शैडो, शैडो शैडो, इनको देख रहे हैं ये। थोड़ी सी बाइक आगे नहीं कर सकता? मैंने ना एक दिन बाइक आगे कर रहा था, वो बाइक गिर गई थी, शुक्र है मैंने हल्के से। अब निकल जाएगी गाइज, अपना गंदक पोटास मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया है, जितना भी बचा है ना वो फटने के बाद उसका भी यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में ही। और एक और गंदक पोटास रखा है बिल्कुल साबुत, वो चाचा के घर पे रखा है, उसको भी एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, तो एक वो चीज भी है गाइज। अभी चलेंगे सीधा घर पे और फनी है ना ये, इसको मस्ती सूझ रही है। देखो टिक्का लगा रखा है काला स्केच पेन से। अच्छा घर चलेगी मेरे, मेरे घर चलेगी, मेरे घर चलोगे? पूछी करो। चलो गाइज अब घर पे चलते हैं, फिर बात करेंगे। मम्मी लो टमाटर मंगाए थे आपने, और दूध कहाँ रखना है? सो गाइज तुम्हारा भाई आते आते ये स्वेटशर्ट लेके आया प्री विंटर, नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगी, कमेंट करके बता देना कैसी लग रही है। सो गाइज आज मैं घर से ही सोच के चला था कि गंदक पोटास की गन को पूरा फाड़ दूंगा, और ये कंप्लीट भी हुआ। आगे की नली फट गई, मुझे यकीन नहीं था एक बारी में फट जाएगी, क्योंकि पहले हमने दो बार फाड़ के देख ली थी, पूरा भर के भटकाया था मसाला, फटी नहीं। अभी जितनी बची है ना आने वाले व्लॉग में उससे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके अंदर भरेंगे, भटका के देखेंगे। और मेरे पास एक साबुत गन भी बची हुई है फ्रेश पीस, चाचा के पास रखा है, आने वाले व्लॉग में उससे भी ट्राई करेंगे नई नई एक्सपेरिमेंट। और गाइज मैंने आपको मार्केट भी दिखा दी कि जाना कैसे है मार्केट में, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि मार्केट में जाएं कैसे, मैंने मेट्रो स्टेशन दिखा दिया भादुरगढ़ सिटी, वहां से मार्केट तक फर्स्ट पर्सन व्यू दिखा दिया। आपको जाना हो तो मेरे रूट को फॉलो करके जा सकते हो, नहीं तो गूगल मैप में आप सिंपली टाइप कर सकते हो झज्जर रोड पोस्ट ऑफिस भादुरगढ़। और एक चीज और गाइज, दिवाली का सीजन जा चुका है तो आपको गंदक पोटास की गन वहां पे टंगी हुई नई दिखेगी, और हो सकता है उनके पास ना भी हो, अगर आपको चाहिए ना तो आप ऑर्डर देके उनसे बनवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।